हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी 12वीं कक्षा के सभी बच्चों, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, प्यारे अभिभावकों, सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनव सरोवा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से हिंदी के शिक्षक के तौर पर जिला झुंझुनू में और एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हूँ। हम कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की बात कर रहे हैं। उससे ठीक पहले थोड़ी सी बातें एक दो मिनट के लिए कर देते हैं कि एक तो ये कि इस सत्र से पिछले सत्र के बच्चे अपने आप प्रमोट हो गए, सरकार के द्वारा कर दिए गए, इस सत्र से पूरा का पूरा कोर्स है वो बदलने वाला है। तो पहली बात तो ये कि कोर्स बदलने वाला है, तो पुराना कोर्स यदि आपके भाई बहनों के पास हो तो वो नहीं पढ़ना है। आप साहित्य के तौर पर उसे पढ़ सकते हैं, 12वीं कक्षा के तौर पर उसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। NCERT का कोर्स इस बारे लागू होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है, हो चुका है, ठीक है। पुस्तकें आपके हाथ में नहीं है, पुस्तकें नहीं है, इसलिए जो वीडियो यहाँ दिखाए जा रहे हैं और हमारे एक यूट्यूबर, हमारे एक व्यूअर या एक दर्शक की तरफ से और एक सवाल है कि सर आप पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी यहाँ करवाइए। तो क्योंकि हम कल आलोक धनवा पे पढ़ रहे थे, परसों आलोक धनवा को पढ़ा था, तो दूसरे पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। अब निवेदन ये रहेगा कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपने सहपाठियों, अपने साथियों, लड़कियों, लड़कियां अपने सखियों सहित और लड़के अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर करें ताकि वो इससे और पढ़ सकें, जानकारी जुटा सकें, सब्सक्राइब कर सकें। टीचर्स साथी जो हैं, विद्वान साथी और विदुषी बहनों से आग्रह रहेगा कि वो भी अपने स्कूल में, जब तक स्कूल नहीं लगते, और यदि क्योंकि आपकी विद्वता पर मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन यदि आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप प्लीज उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका भी काम हल्का होगा, बच्चों का भी हल्का होगा और मेरे लिए कम से कम एक हौसला अफजाई हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक जा रहे हैं। अब दूसरी बात, इस पाठ के कम 12 से 13 प्रश्न हैं और हम 2-3 प्रश्नों के बारे में ही एक वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बात सिर्फ इसी वीडियो में है। दूसरी एक बात यह भी है कि यदि किसी बच्चे या किसी बच्ची ने वो कविता नहीं पढ़ी है तो इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से एक बार पतंग नाम की जो कविता है उस कविता को आप सुन लेवें, उसकी जो व्याख्या की गई है वो सुन लेवें, उसके बाद यदि आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएंगे, ये संभावना पूरी पूरी है। क्योंकि कोई भी चीज को समझने के लिए उसकी भूमिका जरूरी है और वो भूमिका आप उस कविता में पढ़ेंगे। यहां हम सिर्फ प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अब देखिए 9 जून 2021 को हम बात कर रहे हैं, कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, हिंदी अनिवार्य की कर रहे हैं और हिंदी अनिवार्य में आरोह नामक पुस्तक जिसका दूसरा पाठ है, जिसका नाम है पतंग, उसके रचयिता है आलोक धनवा और सत्र 2021-22 और हमारा कोर्स जो है वो NCERT का है। पहला प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, वही लिया हमने कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, ये पंक्ति। इसके बाद क्या कहते हैं कि बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कीजिए। तो प्रकृति ने क्या बताया है कि भादवा गया, भाद्र, भादवा, इसको भादवा या भाद्रपद, हमारे ग्रामीण भाषा में भादवा, तत्सम शब्दों में इसे भाद्रपद और सीधे शब्दों में यदि तद्भव के रूप में देखें तो इसे भादो कहा जाता है। तो आप देखिए कि भादो या भाद्रपद महीने में तेज वर्षा होती है और ये वर्षा तेज बोछारों वाली होती है, यहां नुक्ता लगेगा, वाली होती है। भाद्रपद के बीतते बीतते बोछारों का दौर भी बीत चुका होता है या धीरे धीरे बारिश कम होती जाती है और भाद्रपद के तत्काल बाद आश्विन, जिसे तत्सम में आश्विन, संस्कृत में, हिंदी में उसे आशोज या क्वार कहा जाता है, का महीना शुरू होता है। आश्विन माह के लगते ही प्रकृति में अनेक प्रकार के, सॉरी दो बार हो गया तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, प्रकृति में अनेक प्रकार के, सॉरी यहां ये रिपीट हो गया है वाक्य शब्दांश, ये तीन शब्द, प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं यथा या जैसे कि अब सुबह का सूरज, कवि के अनुसार अब सुबह का सूरज लाल लाल दिखने लगता है, ठीक खरगोश की आंखों के समान, शरद ऋतु के आते ही गर्मी कम होने लगती है, इससे ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई और चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेज गति से
घंटियां बजाता हुआ आ रहा है। तो क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन क्या होता है कि भाद्रपद बीतते बीतते वर्षा कम हो जाती है, आश्विन माह लग जाता है, और जब आश्विन माह लगता है तो शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, शरद ऋतु का आगाज हो जाता है। और उस आगाज होते ही क्या होता है, प्रकृति में बदलाव आता है कि एक तो सुबह का जो सूरज है वह थोड़ा लाल लाल दिखने लगता है, और कैसा लाल, तो खरगोश की आंखों के जैसा। मतलब उसमें एक नया बिंब, एक नई उपमा दी गई है कवि के द्वारा। शरद ऋतु के आने से ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है और सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। और जब सवे शरद आती है तो शरद ऋतु जब आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल पर चढ़कर तेज गति से आ रहा है। इसी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है कि पतंग के लिए सबसे हल्की 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 नहीं हल्की, क्योंकि कवि ने इसी शब्द का इस्तेमाल अपनी कविता में किया है, सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, जैसे विशेषण। विशेषण का अर्थ है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है, अब आप इस बात को तब ज्यादा समझ पाएंगे जब आप इस कविता का वाचन करेंगे, इसका पठन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे अथवा इसकी व्याख्या सुनेंगे। एक बार पुनः देखते हैं कि पतंग के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, इन विशेषणों का, ये विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, इनका प्रयोग कवि के द्वारा क्यों किया गया है, देखते हैं क्या कहते हैं। कि पतंग हल्की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसी कारण वह आकाश में उड़ पाती है, वह उड़ती है क्यों, क्योंकि हल्की होती है, और पतंग जितनी हल्की होगी आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ पाएगी, पतंग ऊंचाई तक उड़ सके। अब पतंग और ऊंची जा सके इसके लिए जरूरी क्या है कि पतंग हल्की हो। अब पतंग बनाई किससे जाती है, कागज से, या उसमें जो बांस की खपचियां, बांस की जो पतली पतली लकड़ियां लगती हैं उससे। अब आप मोटा बांस लगा देंगे या बहुत मोटा तिरपाल के जैसा कागज लगा देंगे तो जाहिर है वो पतंग नहीं बन पाएगी, तो बहुत पतला। तो पतंग ऊंचाई तक उड़ सके इसके लिए जरूरी है कि पतंग हल्की हो, बिल्कुल जायज बात है, पतंग हल्की होगी तो ही ज्यादा ऊंची उड़ेगी। अब पतंग हल्की कब होगी, जब उसमें का उसके निर्माण में काम आने वाली जो सामग्री है वह हल्की होगी, तो कि पतंग हल्की हो और उसे बनाने वाली चीजें भी हल्की हो। इसी कारण बहुत पतला कागज एवं बहुत पतली बांस की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है या इस्तेमाल की जाती है या प्रयोग में ली जाती है। पतंग बनाने में प्रयुक्त होने वाले कागज भी विभिन्न रंगों के होते, अलग अलग भांत भांत के, काले, सफेद, नीले, गुलाबी, पीले, लाल, चटक लाल, अलग अलग भांति भांति के। और कई दफा तो हम देखते हैं कि एक ही अखबार उसमें, सॉरी, पतंग में एक से ज्यादा पट्टियां आती हैं, तो जब भांति भांति के कागज से बनी हुई पतंगे आसमान में उड़ती हैं, एक साथ जब बहुत सारी पतंगे उड़ते हुए हम देखेंगे तो हमें आसमान के रंगीन होने का, उस रंग, वो रंगमय बना देंगे वो पतंगे आसमान को। तो प्रयुक्त तो होने वाले कागज भी विभिन्न रंगों के होते हैं, इससे जब वे आसमान में उड़ती हैं तो पूरा आसमान रंगीन हो जाता है या रंगमय हो जाता है इस कविता में। अब देखिए कि कवि ने ये क्यों कहा, ये तो बात आई पतंग की विशेषता वाली, लेकिन कवि ने इन चीजों का, इन शब्दों का, इन बातों का, इन विशेषणों का प्रयोग अपनी कविता में क्यों किया वो देखते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और कविता की व्याख्या सुनने के लिए इससे पुराने वाला वीडियो आप देखिए अवश्य। कि इस कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं, मतलब बच्चे के द्वारा की जाने वाली हरकतें, चेष्टाएं या क्रियाएं, चेष्टाओं का जीवंत वर्णन किया गया है। अतः जरूरी था कि बाल सुलभ क्रियाओं के प्रदर्शन हेतु वैसी ही चीजों का प्रयोग किया जाए, इसलिए कवि ने उक्त विशेषणों का, यहां स्थान की, जगह की कमी के कारण हमने ये शब्द नहीं लिखे, कौन कौन से, सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, ये चार शब्द हमने नहीं लिखे। आप लिख सकते हैं, उक्त लिख लेंगे तो भी बुरा ही नहीं है।
तो इसलिए जरूरी था कि बाल सुलभ क्रियाओं के प्रदर्शन हेतु वैसी ही चीजों का प्रयोग किया जाए, इसलिए कवि ने उक्त विशेषणों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। अब ये दो इसके प्रश्न हो गए। इसके आगे के जो पाठ इसी पाठ्य पुस्तक के आगे के जो प्रश्न है वो इस डायरी में मैंने इसके के सब के उत्तर लिख रखे हैं, और वो उत्तर आपको इसी वीडियो के जैसे ये दो प्रश्नों के उत्तर हमने देखे, इसी वीडियो के अंत में और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की जो जो पेज है जो पृष्ठ है वो पृष्ठ आपको उसमें चस्पा मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। एक नई बात और, कविता को आप सुने पढ़ें, किताब उपलब्ध हो जाए उसके बाद या उससे पहले आप कमेंट्स के माध्यम से, यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो सवाल वहां करें। उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास दो माध्यम रहेंगे। यदि सवाल छोटा रहेगा, आसानी से समझ में आने वाला रहेगा, तो हम उसका उत्तर आपके सवाल के जवाब में रिप्लाई के रूप में दे देंगे, और यदि थोड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, तो बोर्ड पर लिख कर और खुद मौखिक रूप से वाचिक रूप से आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो जो भी कविता अब हम पढ़ेंगे, जो भी पाठ हम पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर तो हम करवाएंगे यहाँ, इसके अलावा आपके दिलो दिमाग में यदि कोई जहन में कोई प्रश्न उठता है तो आप वो प्रश्न हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर अवश्य अवगत करवाएं। से आपकी उस समस्या का समाधान हम कर सकेंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं खुद नहीं कर पाऊंगा तो मेरे और जो साथी हैं उन साथियों से मिलकर, उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके बच्चों की समस्याओं का समाधान हमें अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में इतना ही। अगले प्रश्नों के लिए अगला वीडियो देखें, तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।